आपके अपने चैनल ब्यूटी विद मिसेस जलाल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसा लग रहा है मेरा सूट? सबसे पहले तो आप ये बताइए। चलिए मैं अपने सूट का आपको पहले पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर का सूट है और इसके पोचे पे ना जो ग्रीन रेड और उस कलर की कढ़ाई है और यही कढ़ाई बाजू पे भी है और ये यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स है और बैक इसकी प्लेन है। और देखिए सूट का लुक देखिए। मैंने ये ना इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं करवाई है क्योंकि मुझे शॉर्ट कमीज ही अच्छे लगते हैं। मैं सलवार सूट कमी डालती हूँ लेकिन डालती हूँ तो मैं अपना शॉर्ट कमीज ही डालती हूँ। तो देखिए सूट की लुक और देख के बताइए कि कैसा लगा। हालांकि व्लॉगिंग मुझे इतनी नहीं आती है और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना अहोयष्टमी का लुक, कैसा लुक था और कैसे मैंने इसको क्रिएट किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। मैं आज पहनने वाली हूँ अहोई अष्टमी के दिन, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो काम के चलते मुझे इतना टाइम नहीं लगा मैं अच्छे से रेडी हो सकूँ या कोई लुक तैयार कर सकूँ। तो लेकिन आज मैं आपको मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। देखिए ये जो है ये मैंने ऑनलाइन लिया था और इंस्टाग्राम का पेज था, पेज कौन सा था वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ऑफ वाइट है, मतलब इसकी धरती तो है वाइट कलर की और ये मल्टी कलर का इस पर काम है। और ये जो गुजरी के आगरे ना ये इस पर छप रही है, बहुत सुंदर सुंदर देखो मोर भी छप रहे हैं। तो बहुत सारा पैटर्न आगे पीछे अलग अलग पैटर्न है, जैसे कोई खड़ी है कोई गाना गा रही है ऐसे ही। और ये इस पे ना इसका ब्लाउज तो सिला नहीं था, तो देखो जैसे इस पे ये बॉर्डर है ना काई कलर का, तो ये मेरे पास ब्लाउज रखा था तो ये मैं इसके साथ डाल लूँगी और एक अच्छा जुगाड़ बना लिया। और कंट्रास्ट में अलग लुक भी आएगी। और साथ में ये चुन्नी है, इसमें ऑरेंज और जो क्रीम है वो इसकी धरती है और जो बॉर्डर की लेस है वो मल्टी में है। और ये चुन्नी आज से शादी हुई ना उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही मैंने ली थी। और ये चुन्नी मैं बहुत सारे सूटों पे पंजाबी लुक में लाचों पे डालती हूँ और ये आज तक वैसी की वैसी है। और उस टाइम ये बहुत कॉस्टली बनी थी, मुझे भी लग रहा था कि इतनी कॉस्टली चुन्नी क्यों ले ली, लेकिन अब मुझे पता लगा कि हाँ भाई उन्होंने कॉस्टली नहीं ली, उन्होंने कपड़ा बहुत अच्छा दिया। आजकल जो आप लेते हो ना जो नेट वो बिल्कुल ऐसा होता है कि ये निकल जाते हैं, लेकिन ये चलो अब बाद में दिखाते हैं आपको रेडी होने के बाद लुक। तो देख लो मैंने वीडियो लगा दी, पैरे पाछे यही सा लग गया है। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल टचअप कराया था अपना मेकअप का, ज़्यादा हैवी नहीं कराया था क्योंकि पिछली वीडियो में बताई थी ना मैंने मेरा आई इन्फेक्शन हो जा रहा है और आँखा पे भी वो पहले वाली ये थकान थी, हालाँकि कुछ कम हो रही थी। और फिर ये था जो उन्हें फाउंडेशन ट्राई कराया था, एक नया फाउंडेशन खरीदा था, बहुत सुनी थी उसके बारे में। पर अगर आपकी भी मेरी तरह थोड़ी प्रॉब्लम वाली स्किन है ना तो आप उसने यूज नहीं कर पाओगे, बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, आप टीनेजर हो, 18 से 22 साल की आपकी उम्र है, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो और फिर लिपस्टिक थी वो मिनी लिपस्टिक थी, एक साल भर पहला खरीदी थी, वह मैंने लगाई थी। और सिंपल प्लेन बिंदी लगाई थी और हल्की सी आई शेडो लगाई थी, वो भी लिपस्टिक तय लगा ली थी। और ब्लशर था वो भी लिपस्टिक तय बना लिया था और सिंपल सा लुक क्रिएट कराया था। और मेरा एक रूल है मेरी शॉप में, कोई भी चीज़ आवे वो पहला मैं यूज़ करके देख के आ रूँ, मैंने रिजल्ट अच्छा लग गया तो मैं किसी ने बताया करूँ कि भैया यूज़ करो ना अच्छा लग गया, तो वो चीज़ मैं दोबारा कभी नहीं लेकर आती। और वही फाउंडेशन एक स्टूडेंट पे मैंने यूज़ करा था, टीन एज की थी और थोड़ी बहुत उसकी स्किन पर प्रॉब्लम भी थी, तो कंसीलिंग वगैरह की उसके बाद वो फाउंडेशन यूज़ करा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो मिलेंगे तावड़े अगली किसी वीडियो में। सारे मेरी राम राम।